फतेहाबाद के ग्राम वसई निवासी जगदीश प्रसाद शर्मा आदि ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को एक शिकायती पत्र लेकर अवगत कराया कि पूर्व प्रधान लक्ष्मी देवी पत्नी बच्चू सिंह व क्षेत्र लेखपाल शांति स्वरूप और विकास अधिकारी विनोद कुमार थे। साठ गांठ करके अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले धन अर्जित कर गैर ढंग से सरकारी स्कूल की घाटा संख्या 225, 226, 227 और 228 मौजा वसई पर उषा पत्नी हरिबाबू शर्मा, आरती पत्नी राम सेवक शर्मा, लक्ष्मीकांत पुत्र सत नारायण शर्मा के अपात्र लोगों की आवासीय पट्टे काट दिए गए, जिससे सरकारी स्कूल की रिक्त भूमि काफ़ी कम हो गई, जिससे स्कूल का नुकसान हो रहा है। सरकारी स्कूल की तरफ से मैं आपको शिकायत करना चाह रहा हूँ SDM के यहाँ और तहसीलदार के यहाँ। पहले भी मैं 13/11/2020 में दे चुका हूँ कंप्लेंट। किस समस्या को लेकर आज तहसील में आए आज? मैं आंगनवाड़ी के बराबर में मेरी पिताजी की जमीन थी, उन्होंने सरकार में अपना स्कूल बनवा के सरकार में दान कर दी। उसमें कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसमें नाद गाड़ दिए हैं और ईना रख दिया है, बिटोरा रख दिया है। बता रहे हैं कि हमने पैसे दे के पट्टा करा दिया है। पूर्व प्रधान लक्ष्मी देवी सनव बच्चू सिंह। अब क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप अब ये चाह रहे हैं कि सरकारी बिल्डिंग के अंदर जो पट्टे काटे हुए हैं और उधर सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल इधर आंगनबाड़ी है, उसके स्कूल का मेन गेट है, उसके बराबर में नाद गाड़ दिए हैं, स्कूल में ईना रख दिया है, बिटोरा रख दिया है, पशु के लिए खूंटा गाड़ दिए हैं, पशु बांध रहे हैं, उसमें अवैध कब्जा के लिए रोकने की कृपा करें। ये है कि हमारे गांव में प्राइमरी पाठशाला छोटी बथई में, यहां पे ग्राम सभा में जो बोलते हैं कि स्कूली ग्राम सभा में हमारे पुरखों ने उसे दान दिया है सर गवर्नमेंट को, उसमें सरकारी स्कूल बना है प्राइमरी पाठशाला, तो उसमें बोलते हैं कि ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में तो वो पूरा स्कूल ही है। अब उसमें कहते हैं लेखपाल साहब ये प्रधान लक्ष्मी देवी पति हैं उनके बच्चू सिंह, वो बोलते हैं कि ग्राम सभा में हम पट्टे काट रहे हैं, पट्टे काट दिए हैं, उसमें सुना है हमने, और उसमें जिसके पट्टे कटे हुए हैं उन लोगों ने कब्जा भी किया है, ईंधन रखा है, कंडे हैं, पशुओं की नाद गड़ी हैं, वैसे भी बाकी अपना मेटेरियल घर का डाल दिया है, ऐसे करके उस पर कब्जा कर लिया है। वहाँ पे जो बाउंड्री होने के लिए जा रही है, एक बार रुकवा दी है, दोबारा आई फिर भी रुक गई है, लेकिन उस पर बाउंड्री नहीं होने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जगह छोड़ के बाउंड्री की जाएगी, प्राइमरी पाठशाला के फ्रंट पे बिल्कुल जगह है वो। आज यहाँ आज हम यहाँ पर आए हैं SDM साहब को अपनी शिकायत फरियाद सुनाने के लिए और अपनी एप्लीकेशन उन्हें देंगे और तहसीलदार साहब को। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।